वीडियो को एंड करते हैं। तो ये तो जाहिर है ना कि अगर मुझे वीज़ा वीज़ा चाहिए तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। कांटेक्ट कीजिएगा बस। अच्छा मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कितनी आपके कपिल के पास कितनी इस तरीके से गाड़ियाँ हैं? मुमकिन 16-17 होगा। 16-17। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सदर एक्स वाई जेड में। तो कैसे हैं आप लोग, वापस से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि ये मेरे पीछे देख सकते हैं गला भी है। अब इसके बारे में यानी हम इनसे जानकारियां लेंगे, जो इसके ड्राइवर हैं, जो इसको चलाते हैं, उनसे हम कुछ पूछने वाले हैं कि कहाँ से इन्होंने वीज़ा लिया, क्या सैलरी है, कहाँ क्या काम करते हैं। हर चीज़ में इनसे जानकारी लेता हूँ और आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो न्यू होते हैं, यानी जो भी किसी भी देश से, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आना चाहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें, नियम कानून इसके बारे में नहीं पता होता है, क्या करना होता है। तो हम उन तक इस अपने वीडियो के माध्यम से उन तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। तो फिर चलते हैं उस भाई से जो कि ड्राइवर है, जो इसको चलाते हैं, हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या काम है, क्या मतलब कितनी सैलरी, हर चीज़ जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं फिर हम उस भाई के पास। और यह है गलाबी, जो कि वो भाई चलाते हैं। अब क्या करते हैं मैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो शायद क्या पता गाड़ी में है भी कि नहीं है। हेलो भाई, आ जाओ बाहर। देखो, ओहो, आ जाओ। हाँ, कैसा भाई साहब? बात ये है, रुक जाइए, मैं कैमरा आगे से कर दूँ। और क्या हाल है भाई? ठीक है, सलाम अलैकुम। और सब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई साहब। आप अपना सुनाइए, कैसे हो? हमारा भी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और क्या हाल है, कहाँ से हैं आप? नेपाल से। अच्छा, आप नेपाल से हैं जी। और क्या करते हैं आप? बस यही गलाफी चलाता हूँ। गलाफी चलाते हैं वैसे तो, इसे नेपाल में क्या बोलते हैं? इसको टीपर बोलते हैं नेपाल में। टीपर बोलते हैं, हमारे भाई साहब नेपाल के हैं। और नेपाल में कहाँ से हैं आप? जनकपुर। ये भी थोड़ा ले लें ताकि आवाज़ थोड़ा अच्छी से। कहाँ से हैं? जनकपुर नेपाल। हाँ। मेरे भाई साहब, और नाम बता सकते हैं? हाँ, मोहम्मद अताबुल अंसारी। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। और कितने दिन हुआ यहाँ पर आए? यहाँ तो 5 साल तक के हो गया। 5 साल हो गया। तो आप कफिल के अंडर में आए हैं, कफिल आपका कहाँ रहता है? नहीं, कपिल तो आप कहाँ रहता है, उसका तो रूम तो दूसरे जगह हो, हम तो सिरका की इधर मजरे के अंदर आए हैं। अच्छा, आप दूसरे जगह काम करने जी आए हैं। तो यानी ये कफिल जैसे कि कहीं भी बेच सकता है? हाँ, इसका है अपना मसला, कहीं भी काम, जहाँ भी, यानी कहीं भी कफिल, जहाँ भी जहाँ काम रहेगा वहाँ, जहाँ पे काम रहेगा वहाँ पे भेज सकता है ये। अभी यहाँ पे काम है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ भेज, कहाँ भेज सकता है। अच्छा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जहाँ से काम आता है वहीं भेज देता है। जहाँ से काम आता है। कितने दिन का ट्रिप लेते हो? कितने आप जैसे यहाँ पे एक महीना का काम है पूरा बलदिया उठाना इस कंपनी में, फिर इधर का काम खलास हो जाएगा तो कपिल दूसरा जगह कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो उधर जाना पड़ेगा, उधर काम करेंगे। या एक हफ्ता का काम रहता है, या 15 दिन का काम रहता है, महीनों भी लग सकता है। तो जिधर का अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, उधर जाना पड़ता है। अच्छा, और अगर मसलन मैं एक बात बोलूं कि जैसे कि अगर काम नहीं है तो क्या करता है? तो मुश्किल नहीं है, मेरा तनख्वाह है, जो तनख्वाह हिसाब से मिलता है। यानी तनख्वाह तो नहीं काटता है ना? नहीं नहीं, तनख्वाह नहीं काटता है, वो जितना मसला तनख्वाह है ना, उतना अपना तनख्वाह मिलता है। काम मिला तो काम किया, ड्यूटी किया 9 घंटा। काम नहीं मिला, बस अपना कपिल के सामने, बस रूम में अपना रहता है। जब काम मैया आया, फ़ोन करता है कपिल, जहाँ पे बुलाता है आने के लिए, वहाँ पे गला भी लेके जाना पड़ता है। अच्छा, यानी मतलब सैलरी नहीं काटता है? सैलरी नहीं काटता है। अच्छा, ये खासियत है कि सैलरी नहीं काटता है बस अपना। अच्छा, काम। आप नेपाल से हैं जी। वीज़ा आपने कहाँ से लिया था? वही मेरा दोस्त ने पठाया था, गोविंद कुमार मंडल। हैं? मेरा दोस्त ने दिया था वीज़ा, वही पठाया था। अच्छा, यानी एजेंट के थ्रू लिए थे कि मतलब? नहीं, अर्जेंट के थ्रू नहीं, अपना दोस्त था वो। अच्छा, कॉन्टेक्ट करके वीज़ा लेना चाहे तो क्या मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन वही है ना, अगर वो कपिल के पास काम रहेगा तो कोई अपना दोस्त है आपका, कोई दोस्त में वो कपिल से बात करके वो अपना काम दे, वीज़ा दे सकता है। अच्छा, यानी वीज़ा मिलने की उम्मीद है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे वीज़ा चाहिए तो क्या आप? अब मिल जाएगा उधर, अगर आदमी का ज़रूरी रहेगा उधर कपिल के पास अप्लाई करेगा तो हो सकता है मिल भी जाएगा।
हो सकता है नहीं भी मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं, आदमी का जरूरत रहेगा तो मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं जी आप जी कॉन्टेक्ट मेरे कॉन्टेक्ट में है जी। वैसे तो आप मेरे कॉन्टेक्ट में है, गाड़ी आगे थोड़ा आवाज़ उसकी भी आने लगी। वैसे तो आप मेरे कॉन्टेक्ट में है, अगर मुझे जरूरत होगी मैं आप तक कॉन्टेक्ट करूँगा जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कीजिए। और कितनी सैलरी है आपकी? बस 2000। 2000 सैलरी है, मतलब बढ़ाता बढ़ाता है काफी? बढ़ाता हुआ अभी तो फिलहाल आप काम वाम अभी उसका उतना मंदा चल रहा है। अच्छा। काम ज़्यादा चलेगा तो मुमकिन बढ़ाएगा भी। अच्छा यानी मतलब बढ़ाता है सालों में कुछ? साल में 200-400, 200-300 तक के बढ़ा देता है। चलो बहुत अच्छी बात है, यानी फिलहाल अभी 2000 सैलरी है। और खाना पीना सब कंपनी का है? सब कंपनी का माशाल्लाह, यानी 2000 बच जाता है? 2000 बचता है। और ओवर टाइम? ओवर टाइम अभी नहीं है, जब काम चलेगा ज़्यादा तो ओवर टाइम मिलेगा। अच्छा, अभी नहीं, यानी ओवर टाइम होता है अगर काम रहता तो ओवर टाइम काम रहता है। कितने घंटे की ड्यूटी है? बस 9 घंटा। 9 घंटे की ड्यूटी है? 9 घंटा का ड्यूटी है। चलो बहुत अच्छी बात है, 9 घंटे की ड्यूटी है। तो भाई हाँ जी, अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अपना कीमती वक्त देकर हमें अपना कीमती वक्त मुझे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम वीडियो को एंड करते हैं। तो ये तो जाहिर है ना कि अगर मुझे वीज़ा वीज़ा चाहिए तो मैं आपको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट कीजिएगा बस। अच्छा मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कितनी आपके कपिल के पास कितनी इस तरीके से गाड़ियाँ हैं? मुमकिन 16-17 होगा। 16-17? अच्छा 16-17 इस तरीके से गाड़ियाँ हैं, सबकी सैलरी ऐसे ही 2000? जो ड्राइवर जो है ना उसका 2000 है। हाँ जब ओवर टाइम सब जो ज़्यादा काम आ जाता है तो ओवर टाइम की वजह से वो पैसा तनख्वाह भी थोड़ा ओवर टाइम मिल जाता है ज़्यादा। अभी काम ज़्यादा नहीं है इसीलिए थोड़ा अभी ओवर टाइम नहीं है। जुमा भी अभी बंद है। अच्छा यानी जुमा नहीं रहता है? नहीं, यानी अगर काम रहता है काम तो रहता तो रहेगा। चलो ठीक है, और हम वीडियो को एंड करते हैं। और आप हमारे सब्सक्राइबर से जो भी हमारे व्यूवर से सलाम दुआ कर ले, फिर हम वीडियो। सलाम वालेकुम भाई साहब। और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपने कितने कीमती वक्त निकाला और मुझे दिया। तो ठीक है भाइयों, हम वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि मेरे वीडियो से बहुत सारे लोगों को एक अच्छी सीख मिली होगी और एक अच्छा सबक दिया होगा कि जो लोग बहुत सारे लोग आना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारियाँ नहीं होती है बहुत सारे लोग को। तो शायद हमारे इस वीडियो के माध्यम से शायद आप बहुत सारे लोगों को जो कि जो हमारी वीडियो को देखेंगे उन तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।